अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक्स का टॉपिक है ये, और हमने देखने की ये रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। तो अ वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल विच कैन बी टेक, जो कि दिया जाता है फ्रॉम रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से दिया जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से जिस वेरिएबल जो वैल्यूज आती है उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज जो किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से दी जाती है उसे हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल विच कैन बी टेक फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा इफ अ पॉइंट इज टॉस्ड थ्री टाइम्स, एक्स शोस द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ये x रैंडम वेरिएबल है, ये शो कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। अब देखिए इसकी वैल्यूज जो आएंगी कैसे आएंगी, हमने कहा एक कॉइन को एक दो तीन दफा, तीन दफा टॉस किया, तो एक्सपेरिमेंट हमने बार बार किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट को कौन सा एक्सपेरिमेंट टॉस करने का, टॉस करने के फिर एक दफा किया, फिर दूसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा किया, राइट। तो इसकी जो वैल्यू हमने कह रहे हैं ये शो कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, तो हो सकता है कि जो इसकी वैल्यू जो आती है, हो सकता है हम फिर भी एक दफा भी हेड ना आए, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कोई हेड ना आए, हो सकता है एक दफा हेड आ जाए, हो सकता है दो दफा हेड आ जाए जो फेंक गए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों टाइम्स आपके हेड ही आ जाए, जो फर्स्ट टाइम फेंक गए, सेकेंड टाइम फेंक गए, थर्ड टाइम फेंक गए, तीनों हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी जीरो हेड, वन हेड, टू हेड एंड थ्री हेड, राइट। अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हमने दी है वो किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से दी है, हमने एक्सपेरिमेंट को बार बार किए, कौन से एक्सपेरिमेंट को, हमने कॉइन को टॉस किए कितने दफा, तीन दफा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ उससे वैल्यूज आई, उस वैल्यूज को हम कहेंगे रैंडम वैल्यूज, इन रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होगी, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, राइट, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल जो है दो किस्म के होते हैं, रैंडम वेरिएबल दो किस्म के होते हैं, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल जो है ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और एक होता डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं जो कॉन्टिन्यूस हो, जैसे ऐसी चीजें जिसको कौन, जैसे आप कहते हैं एज ऑफ पर्सन, आपने कभी देखा किसी इंसान की एज, हम कहते हैं कितनी एज, वो कहते हैं 30 इयर्स, 30 इयर्स का मतलब 30 साल, 30 साल का मतलब कि उसमें ऐसा नहीं गैप नहीं है, शुरू से उसकी एज इतनी बनी, हाइट ऑफ पर्सन, हाइट मेरी अगर देखिए जितनी भी हाइट है, ये कॉन्टिन्यूस में गैप नहीं है, जिसमें गैप ना हो वो कॉन्टिन्यूस हो, उसे कॉन्टिन्यूस रैंडम लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसकी जो वैल्यूज दी जाती हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, Every possible values हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं, that is called continuous random variable. Discrete में जिसमें गैप आ जाता है, जैसे number of students present in class during a week, एक हफ्ते में अगर एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, आप उसके पूरे वीक की क्लास अगर देखें, तो कोई ना कोई एक दिन, दो दिन, तीन क्लास पूरी रेगुलर होती है, इसमें कोई ना कोई छुट्टी करनी होती है, चौथे दिन कोई छुट्टी करनी है, कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने 40 डिफरेंट स्टूडेंट्स को आपने क्लास में कलेक्ट किया होता है, इकट्ठा करके बैठाया होता है, तो किसी न किसी कोई फैमिली प्रॉब्लम की मसला हो गई, तो जो चीज रेगुलर नहीं रहेगी वो डिस्क्रीट होगी, जो चीज कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी, हमने कहा जी एक क्लास को आप एक हफ्ते में पूरी अटेंडेंस आपकी रेगुलर चेक करें आप, तो मेरे नहीं ख्याल कि वो 40 स्टूडेंट्स पूरे वीक में 40 ही अटेंडेंस है, कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई छुट्टी, कोई ना कोई मसला आ जाएगा, तो जो चीज कॉन्टिन्यूस नहीं होगी वो डिस्क्रीट होगी, जो कॉन्टिन्यूस हुई जैसे मैंने आपको बताया हाइट ऑफ पर्सन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस, कोई गैप नहीं है, इसमें कोई टूटा नहीं हुआ, मैं बिल्कुल जो हाइट होगी वही होगी, राइट। इसी तरीके से मैं आपको सर, अब इसका जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो ग्राफ इसका इस तरह ग्राफ होता है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं एवरी पॉसिबल वैल्यूज इसमें दी जाती है, एवरी पॉसिबल वैल्यूज, तो डिस्क्रीट में जो खास खास वैल्यूज है, सब स्पेसिफिक वैल्यूज दी जाती है, खास तौर से कोई यहाँ पे वैल्यू, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूस खास खास वैल्यूज दी है, तो इसका ग्राफ यूं बनता है, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं,
राइट डिस्क्रीट, पहले हम डिस्क्रीट को डिस्कस करेंगे फिर हम क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक लेक्चर से डिस्क्रीट क्वांटिटीज पर डेरिवेटिव देंगे जिसकी प्रॉपर्टीज भी है, मीन की भी है, वेरियस की भी है, और फिर मैं क्वांटिटीज पे आपको लेक्चर दूंगा जिसमें आप मीन कैसे निकालते हैं, वेरियस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं, ये तमाम डिस्क्रीट में क्वांटिटीज दोनों में करेंगे। तो एक लेक्चर में ज्यादा इसका ज्यादा और इसका ज्यादा लेक्चर दूंगा, दो लेक्चर बनेंगे और एक डिस्क्रीट का और एक क्वांटिटीज का। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको दूंगा वो डिस्क्रीट का आपको लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज प्रूफ भी बताऊंगा। मे बी के ही रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही आपको तीन चार लेक्चर की सीरीज बन जाएगी, फिर उसके बाद क्वांटिटीज रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।